हे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए टेक सॉल्यूशंस को और क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हे गाइस, वेलकम टू टेक सॉल्यूशंस। तो आज मैं Redmi Note 5 Pro में गेमिंग रिव्यू करने वाला हूं, जिसमें Lineage OS 15.1 इंस्टॉल्ड है और मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि Lineage OS इंस्टॉल करने के बाद इस फोन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, यानी कि आपको गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं MIUI से बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इस रोम में मिलता है कि नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं इस रिव्यू में जो गेम्स को खेलने वाला हूँ वो गेम्स है PUBG, Shadowfight 3, Gangster 4, Hitman Sniper, NFS No Limits, Asphalt 8 and PES 2018। तो देखते हैं इन सभी गेम्स का परफॉर्मेंस हमें कैसा मिलता है इस रोम पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। Among other things.
This is a Chucky Beat production. This is a Chucky Beat production. तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये सभी गेम्स इस फोन में यानी कि लियानेज ओएस में बहुत ही स्मूथ चल रहा था, और MIUI से आई थिंक लियानेज ओएस में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मुझे मिल रहा है, क्योंकि कुछ कुछ गेम्स में मुझे MIUI में फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिला था, लेकिन इस रोम में ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा। तो मेरे ओपिनियन में मैं लियानेज ओएस को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप बहुत ही अच्छा गेमिंग कर सकते हैं MIUI के मुकाबले। तो आप बेझिझक इस रोम को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आपको गेमिंग में कोई कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है कि जो पोर्ट्रेट मोड, अदरवाइज ये रोम बहुत ही अच्छा है सभी मामलों में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही हार्डवर्क कर रहा हूँ, एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।